जाए तक राज में इनकी पचम में निकल गई, जाए तक राज में इनकी पाद निकल गई पिछवाड़ा से, जाए तक राज में इनकी ना आंत बूकड़ा निकल गया, जाए तक राज में पानी ना जुड़ो इनकी, जाए तक राज में पेट भर रोटी ना खाई, जाए तक राज में भूख मर गए। जली सर सवाल जवाब ऐसा हो रहा है जैसे हवालात में पुलिस जवाब ना करे मुलजिम सु, ऐसे बिठा रहा है जली सर कमरा में ले जाकर आदमी। जब जली सर सुनो कह रहा है बतान भाई शत्रुघ्न सिन्हा, बतान भाई शक्ति कपूर, शक्ति कपूर से लग रहा बैठो भी, जब हवालात में शक्ति कपूर बैठ रहे हैं ना फिल्म में देखो तुमने, ऐसे लग रहा बैठो बेचारो। जब सवाल जवाब कर रहा है बोल भाई शक्ति कपूर कहा है नुकू साहब कोई बात कर दें सवाल, आदमी बहुत बंद करवाया था तिहार राज में, कौन सो आदमी बंद करवाया फलाणो करवाया ढेंक करो, तो इनकी तो हवा तो निकल गई। चाहे तो अपनी जमानत बता ले, जपत होती है तब काम चलेगा, जमानत तो बचे। आप मेरे साथ गांव गांव में घूमो, अगर 100-100 वोट पका जा जाएगा तो मेरी गारंटी। जिसका बेटा चुनाव लड़ता है उसका पिताजी उसके साथ गांव गांव जो जो प्रचार की जो प्रक्रिया आपकी चल रही है उसके साथ में ना रहे, ऐसा कहीं ना कहीं दाल में काला तो नजर आता है। ऐसा है कोई दाल में काला ना है ना कोई बात है, मेरे फादर ने मुझे चुनाव लड़ाने की अनुमति दी है, पापा के कहने से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या लगता है कि आपकी नैया पार हो पाएगी? नैया जी, हमारी नैया रुक रही है का? हमारी नैया आज तक तो रुकी ना कहीं। जब जिला पार्षद चुनाव लड़ो जो 15,000-16 वोट लियो बता भी दी मैंने इंटरव्यू में, और जब लिए 5,000 नोट अब लग गई, फिर मेरी नैया कभी रुकी ना। जो प्लान मैंने बनाया ना आज तक, वो प्लान आज तक मेरा तो रुका नहीं है इंशाल्लाह ताला, जो प्लान बनाया वो पास ही होता है मेरा। तो मुझे अल्लाह पाक वकूफ ऐसा देते हैं कि हाँ इंशाल्लाह तेरा अगर जीत भी नहीं तो इज्जत तो तेरी इतनी बड़ी होगी बहुत ज़्यादा। तो जीत तो मेरी नहीं हो पाई जिला परिषद में, 100 वोट उसमें रह गया, बेईमानी कर दी सरकार ने, लेकिन मेरी इतनी बड़ी इज्जत बनी 15,000 इंडिपेंडेंट, 15,000-16 वोट की कम बात हुई। लोग ये भी कह रहे हैं कि जायदा के जो हराना, ये लोग जो नए जो नेता जो डोल रहे हैं मैदान में, इनके बस की बात नहीं, इतना आसान नहीं है, उनका कद बड़ा है जायदा का। अरे भाई साहब जायदा को हराने वाली बात नहीं है, बात इस चीज की है कि खत्म तो कर दो मामला। मंत्री जी कह रही है मेरा अपना परिवार है, कहाँ परिवार, कहाँ परिवार, एक परिवार है ही ना कहीं, एक परिवार को मामले नहीं, परिवार अपने गांव में रहूनी मना लिया ससुराल में, कुछ भी ना मोड़ी मिठाई पत्तो। आपके वालिद को लेकर भी कामा विधानसभा में जनता अलग अलग चर्चाएं कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? ऐसा है मेरा पापा एक रेपोटेड व्यक्ति है, मेरा पापा अपने आप में बहुत बड़ा नेता है, कोई चलता फिरता आदमी नहीं है, वो कोई रोड छापा आदमी हो वो अपने आप में मायने रखता है, बिरादरी का समाज का बहुत बड़ा सेवक है, और समाज में जो मेरा फादर आज भी जो सम्मान समाज उसको देता है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मेरा फादर कोई हल्का मोटा आदमी मान रहे हो आप, और मेरा पापा मेरे साथ ना लगे, बिना पापा के मैं चल सके चुनाव में, याद सोचो आप। और मैं घर घर जा रहा हूँ जो इतने बड़े मैं बीड़ा उठा रहा हूँ, मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती मैं बिना फादर के कोई काम कर लूँ, ये हो सकता है? कोई किताब बनी है कि आप बता दो। मैं एक घर में रहता हूँ, एक परिवार में रहता हूँ, फादर के पास रहता हूँ, सुबह शाम रहता हूँ, सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता कि मैं पापा से अलग हटके कोई काम कर सकता हूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं। विधानसभा की कर रहे हैं तो कांग्रेस एक युवा नेता भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, मुख्तियार शेर मुख्तार जी, उसकी बहुत तेजी चर्चाएं और लोगों में, इसके बारे में आप क्या कहोगे, क्योंकि आपके साथ ही रहे हैं घाट में का धरना के बारे में बात कर रहे हैं। देखो साहब बात ही है, सीए मुख्तियार साहब की जो बात है ना, कामा के मुस्तकबिल को बचाने का उसका भी पूरा पूरा इरादा है, और इस मुस्तकबिल को बचाने का हमारा भी पूरा पूरा इरादा है। वो अपनी पहाड़ पर खड़ा है, हम अपने पहाड़ पर खड़े हैं, ठीक है? वो अपनी पहाड़ पर निशाना लगा रहा है, तीर को निशान एक जगह लगना शिकार पर, शिकार हुआ का तीर से फट जाए चाहे हमारा तीर से फट जाए, हमने दोनों ने शिकार मारनी है। अब शिकार कैसे फटे वो पता लगेगी जी। शिकार किसे मान के चल रहे हो? शिकार जायदा है और कौन है शिकार, ये फट जाएगी शिकार, और बीजेपी है उसे हम पानी गिर गिर के मार देंगे खड़ा में, देख पानी देख घुसेड़ी देख घुसेड़ी, कह तो मुख्तार शिकार मारेगा वहा तीरसू, मैं बीजेपी वाला गिरा दूंगा, फिर हम दोनों मिलकर जब तो खेल होएगा, या मुख्तार बीजेपी वाला मारेगा मैं जायदा गिरा दूंगा। बात यह कि हम में से एमएलए मुख्तार बनेगा मैं बनूंगा, ये तो है। दोनों आप कहीं ना कहीं मिलके काम कर रहे हैं। अब तो मैं आप कुछ ही मान लियो, चाहे मिलके मान लियो चाहे तुम अलग अलग मान लियो, या मैं कोई वैसी बात तो है ना है। जो सच्ची नियत सुरक्षा काम करेगा ना क्षेत्र के लिए वो तो मिलके करना पड़ जाए भाई, ये हम कौन से दो रहा है। नहीं ऐसा भी हो सकता है सीए के लिए अगर कांग्रेस टिकट दे दे तो आप दोनों आमने सामने रहेंगे ग्राउंड में? देख कांग्रेस का टिकट अगर सीए ने लिया जब तो भाई हम अपने बड़े पहाड़ पे आए, और वहां को टिकट अगर ना मिलो तो इनसे अल्लाह ताला सीए रहा हम एक मशोरा से लड़के नहीं काम करेंगे मजबूती से जो भी काम। जनता ये भी कहते हैं अगर मेवात की कहीं बात आ गई तो आप और सीए दोनों साथ चलेंगे आवाज को उठाकर? आज तक तो मुद्दा की बात हम साथ चलाएं जी, अब भाई आगे चल के नहीं जनता हमने साथ ना चलने, दोनों भाई भाई ने हमने बाप को विवाद करवा दिए भैया को, हम पे भी लाजना भाई
अब तक तो हम दोनों भाई साथ साथ है, जहाँ मुद्दा की बात काम आके आती है हम दोनों भाई साथ रहे हैं। रहा बात पार्टी का, वो कांग्रेस पार्टी में, भाई मैं MIM में हूँ। अब मैं ऐसे तो कर नहीं सकता कि मैं MIM का समर्थन कर दूँ, ये तो कांग्रेस का कर दूँ, ये तो बात बेकार है। अब मैं तो देखो MIM के लिए काम करूँगा, वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। अभी बात ये चीज की है कि मुख्तार है जहाँ इलाका की बात है, वो मुद्दे की बात करता है, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। अगर टिकट कांग्रेस का जायदा को मिलता है तो आप किसे मुकाबला मान के चल रहे हो अपना? मेरा मुकाबला फिर BJP से होगा। BJP से? हाँ। जायदा से नहीं होगा? जायदा जमानत जब्त हो जाएगी, हकीकत तो ये है। मैं वैसा ना कर चलती फिरती बात, इसकी जमानत जब्त हो जाएगी, BJP से मेरा मुकाबला होगा। BJP कैंडिडेट को हम पूरी तरीके से, जायदा का तो विकास गिनवा रहे हैं बहुत सारे लोग। विकास है ना, दुनिया में तो है ना, इधर जमीन पे तो है ना, आसमान में टकरा हुआ पता ना। आपने कैसे माना विकास नहीं है? है ही ना, आप बता दो, आप घूम लो गाँव गाँव, अगर आपको कोई मिल रहा हो तो मेरे को दिखा देना विकास, कहाँ है विकास? रोडों पर नहीं घूमते क्या आप? सड़कों पर नहीं जाते, गाँव में नहीं जाते आप? स्कूल टीचर से रुपया एडवांस ले लिया, उनका पोस्टर बोर्ड हूँ तक जयपुर तक लग रहा है, सारी चीज लग रही है। अब हम एक चीज तो है ना जा गिनवा दे में, ट्रांसफर तक का पैसा ले लेके बैठा है, वो बेचारा रोड में ज्यादा डोल रहा है आदमी। और टीचर स्कूल में या पहले जब शिक्षा मंत्री ना बनी जब तो ठीक ठाक है, अब टीचर ही भगा दे स्कूल में, बच्चा अनपढ़ डोल रहा है। ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं और यहाँ के बच्चे अनपढ़ रह जाएं, कोई नेता ही मत बने, उसी के ही मत कुछ, ये चाहते हैं, तो जागरूक मत हो कोई। अगर टिकट मुख्तार को मिलता है और ओबीसी से आप लड़ते हो, हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि BJP वाला निकल जाएगा? अरे ऐसा तो मतलब ना निकल दें जी, जिंदगी बिना निकले। आपकी बातों से लग रहा है कि मुख्तार में आप में कहीं ना कहीं साठ गांठ है? ना, साठ गांठ इसलिए है कि अगर मुख्तार का टिकट नहीं मिलता है ना, तो मुख्तार का जो मामला है, मुख्तार हम एक जगह काम करें तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे टिकट में तो ऐसा तो है नहीं कोई और दावेदार हो। भाई मेरे टिकट तो इंशाल्लाह ताला मेरे को मिलेगा, और मैं जो धरातल पर 6-7 महीने से पोस्टर लगा काम कर रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद तो पूरी पूरी है जी। अब फिर भी मौत भी तो हो जाए आदमी की, मैं मर जाऊँ तो अलग बात है, अल्लाह ने चाहे तो जनता मुझे जितना सहयोग दे रही, प्यार प्रेम दे रही, टिकट मेरे कटने वाला तो है ना, अब फिर भी अल्लाह के हाथ में जी। लोग कह रहे हैं कि जो नए नेता मैदान में डोल रहे हैं, जायदा के पास संकोच नहीं है। जायदा हमारे पास संकोच है? लोग कह रहे हैं जी। अरे लोग हम लोगों से मिलवा दें, चलो ना आप निकल के, कैसे लोग हैं तुमने मिल रहा है, जिंद मिल गया, भूत मिल गया, परियत मिल गया, तुमने हमने कहा पत्ता पर कौन मिल गो पता ना, कैसे लोग मिले तुमने भाई, हमारे समय में तो लोग बैठे ना ऐसे, कौन से लोग मिल गए तुमने? हम दिखाएंगे लोगों ने, लोग डोल रहा है, अब हम मिल रहे हैं 2 मिनट। अगर आप मान लो कामा विधानसभा से विधायक बनते हैं, हाँ, तो आप क्या करोगे काम? मैं अब तब मेरे दिल की बात का इल पूछो जी, सबसे पहले तो यह करूँगा मैं कि रोड है ना, जो रोड ये इतना टॉप क्लास का होना चाहिए कि बहुत बढ़िया, नंबर एक। स्कूल लेटरिंग बाथरूम की तक की सुविधा ना है, ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, स्कूलों में टीचरों की इतनी कमी है कि सीमा नहीं है, बच्चों को फैसिलिटी सरकारी स्कूल में वो मिलनी चाहिए जो प्राइवेट के 10 लाख रुपए की फीस नहीं मिलती है, वो सारा सरकारी मिलनी चाहिए, और बिल्कुल टाइट होना चाहिए बिल्कुल स्टाफ जब काम चले, क्योंकि अब से पहले जो IAS और IPS हमसे पहले जो हमसे बड़े बने थे ना, जो बड़े बड़े अधिकारी बने, वो सब सरकारी स्कूलों से निकल गए थे। क्या सरकारी स्कूल कमजोर थोड़ी होती है? सरकारी स्कूल अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई करवाने वाला हो, कोई गाइडलाइन देने वाला हो, कवरिंग करने वाला हो, अब नेता लीडर तो कोई ध्यान धरता ही नहीं। अगर आप